जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? देखो, रात के 8:30 बज गए हैं। सुबह 7 बजे से लगातार क्लास थी और लगातार पढ़ रहे हैं। आप सभी भी पढ़ रहे थे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं। लगातार क्लासेस चल रही हैं और तैयारी चल रही है महासंग्राम की। आपका बहुत बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा त्यौहार है आप लोगों के लिए। बहुत समय बाद अवसर मिल रहा है और आपका एग्जाम तय समय पर ही होना है, ठीक है? तो आप देख पा रहे हैं कि एमपी में कांस्टेबल एग्जाम का काउंटडाउन काउंटडाउन शुरू हो गया। टिक 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 चालू हो चुका है। पीबी अफसर बोले, एग्जाम नहीं टाल रहे हैं, सेंटर पर किन बातों का ध्यान रखें, ये सब चीजें जाननी है, ठीक है? तो एक बार हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई किन किन चीजों का आपको सेंटर पर ध्यान रखना है और पेपर में कैसे क्या चीजें ध्यान रखोगे, तो ये देखेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को जुड़े रहें, जो आप सभी इतने समय से पढ़ रहे हैं तो लास्ट तक जुड़े रहें। कुछ बातें कि पेपर में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो सारी मैं आपको बताऊंगा। पेपर आपका तय समय पर ही होना है। मध्य प्रदेश में करीब 3 साल से जो पेपर टलते आ रहे थे, वो सारे आपके पेपर अपने तय समय पर हो रहे हैं। 12,72,000 परीक्षार्थी हैं, 74 सेंटर बनाए गए हैं, ये सारी कहानी है, ठीक है? और प्लस पेपर आपका तय समय पर होना है। अब कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो जो समय उन्होंने बोला उस समय पर ही पहुंच जाए तो अच्छा है। कोरोना गाइडलाइन कि सारी चीजों को ध्यान में रखें। अभी आपने देखा था राजस्थान में जब पेपर हुआ था तो उसमें कुछ बच्चे लेट पहुंचे थे, फिर वो पेपर नहीं दे पाए थे। तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा पहला तो, ठीक है? लापरवाही ना करें। यदि वो 1 घंटे पहले बुला रहे तो 1 घंटे पहले ही पहुंच जाएं। उसके अलावा और भी जो कोरोना गाइडलाइन उन्होंने बोला है, मास्क वगैरह आप ध्यान से लेकर जाएं, सैनिटाइजर की साथ में लेकर जाएं। वैक्सीन आपने लगवाई है तो अच्छा है, नहीं है तो आप लगवा लें, नहीं भी लगवाई तो कोई दिक्कत नहीं है। बस उस दिन सारा टेम्परेचर वगैरह आपका चेक होगा, फिर आपको अंदर जाने दिया जाएगा, तो वो सारी चीजें आपको देखेंगे। तो सबसे मुख्य है कि भाई अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बीमार नहीं होना है कि भाई कोई तबीयत खराब हो गई या ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य का बढ़िया से ध्यान रखोगे और सारी चीजें इस हिसाब से जाओगे कि वहां कोई कमी ना रह जाए, कि ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत हो जाए और वो आपको बाहर निकाल दे। तो इन सब चीजों का विशेष आपको ध्यान रखना है सारा। बात करते हैं पेपर में। देखो, पेपर में 2-3 चीजों का ध्यान रखिएगा जो आप सभी इस समय से पढ़ते आ रहे हो। तो पेपर जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो पेपर को जब आप करने बैठे हैं तो बहुत हड़बड़ाहट में पेपर ना करें। और पेपर में ऐसे कोई क्वेश्चंस मिले जो क्वेश्चंस टाइम ले रहे हो तो शुरुआत में उनको स्किप कर देना, ठीक? मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। होता क्या है कि जैसे मान लो कोई एक पेपर है, एक कोई क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन लेंदी सा आ गया, आप उसमें फंस गए। एक क्वेश्चन में 3 मिनट, आपको 3-4 मिनट लग गए। अब 3-4 मिनट लग जाते हैं ना, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा कि आपके पास समय की कमी हो जाएगी, लेकिन एक मेंटली जो प्रेशर बन जाता है ना, उसमें आगे की चीजें गड़बड़ हो जाती है, ठीक? तो इस चीज को ध्यान रखना कि यदि आप पेपर जब दे रहे हैं, आज भी शाम को जब हम पढ़ा रहे थे तब भी मैंने यही बोला था, कुछ चीजों की दिक्कत है। तो आप यदि कोई क्वेश्चन ऐसा लेंदी आ गया ना, तो पहले अटेम्प्ट में उसको स्किप कर दो। आपके पास बहुत ही आराम से भी क्वेश्चन करोगे ना तो भी लास्ट में 30 मिनट बचेगा। बहुत आराम से पेपर करोगे तो भी आखिरी में आपके पास 30 मिनट बचेगा ही बचेगा। तो उस 30 मिनट में आप वो सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो पहले अटेम्प्ट में उन क्वेश्चंस को करोगे जो क्वेश्चंस आपको 100% सियोरिटी के साथ आ रहे हैं, उनको आप एक बार करें, आराम से करें। लास्ट में जब आप देखोगे कि आपके 70-80 क्वेश्चन हो गए, 80 क्वेश्चन हो गए, और फिर आप देख रहे हैं कि अभी भी आपके पास 40 मिनट बाकी है, तो फिर बाकी के जो 20 क्वेश्चन आपसे नहीं भी हो रहे थे ना, वो क्वेश्चन भी आपसे होने लग जा रहे होंगे, ठीक है? तो एक छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है। बाकी फालतू अफवाहों में नहीं पढ़ना है, इधर उधर की अफवाहों में बिल्कुल नहीं आना है। पेपर आपका 100% है कि होगा, और मैंने आपसे बोला था 5 अगस्त को कि मैं 7 जनवरी तक आपके साथ हूं, 7 जनवरी तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो लगातार आप देख रहे हैं कि तब से क्लासेस चल रही है, लगातार क्लासेस चल रही है। आज भी हमने महामैराथन क्लास रखी, दोपहर में 1 बजे से अभी लगातार 8:30 बजे तक आपकी क्लास चल रही है। कल 7 जनवरी है, कल का भी यही स्केड्यूल है। 7 जनवरी है, कल दोपहर में 1 बजे से फिर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पहले रीजनिंग के 100 क्वेश्चंस होंगे, फिर एमपी जीके होगा, फिर मैथ्स होगा, फिर जीएस होगा। तो कल भी ये सारा क्लास है, कल दोपहर में 1 बजे से रात तक
पूरा रिवीजन में आपका कराऊंगा, ठीक है? तो आप क्लास में जुड़िएगा, पढ़िएगा, इसकी उसकी अफवाहों में ना आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो जाए, हो पाया नहीं है तो वो बस जबरदस्ती भड़ास निकाल रहे हैं। वो आखिरी 20 फरवरी तक पेपर चलना है ना, तो 20 फरवरी तक वो रोज कमेंट करेंगे कि आज पेपर रद्द हुआ, आज पेपर रद्द हुआ, और 20 फरवरी के बाद भी उनके कमेंट आते रहेंगे, ठीक है? आपका काम पढ़ने का है, अपने काम पर ध्यान दें, पढ़ाई पर फोकस करें, बढ़िया से एक दिन आपके पास बचा है। जिनके पेपर 8 तारीख को हैं और जिनके आगे पेपर हैं, उनको बहुत जरूरी है इस बात को ध्यान रखना कि इधर उधर की अफवाहों में आप आते रहोगे, बच्चों को लग रहा है सर फरवरी में पेपर है तब तक तो पेपर कैंसिल हो जाएगा, तो पेपर सारे होने हैं, सेंटर बुक हो चुके हैं, सब जगह तैयारी हो चुकी है, गवर्नमेंट ने सारे इंतजाम कर लिए हैं, पेपर आपका होना है, परसों से पेपर चालू होगा। तो परसों जिनका से पेपर है उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट, बाकी सब पढ़े, कल की क्लास में फिर दिन भर में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की गर्दा उड़ाएंगे और पढ़ते रहें। थैंक यू।